हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पावलोव का सिद्धांत या अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत या अनुक्रिया का सिद्धांत। तो सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले किसने दिया था, वो कहाँ के निवासी थे, कब दिए थे और किस बुक में भी दिए थे, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। फिर इसके बाद जानते हैं कि इसमें इस सिद्धांत का क्या क्या अन्य नाम है और इसका और किस किस और ये पावलो जी महोदय पावलो हैं जो किस पर अपना प्रयोग सर्वप्रथम किए थे। तो ये हम समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि पावलोव को सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादक कौन थे। तो इनका नाम था आईपी पावलोव, ठीक है, छोटा या पावलोव भी कह सकते हैं या आईपी पावलोव भी। ये कहाँ के निवासी थे, ये रूस के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक शास्त्र यानी शरीर का भी जानकार थे अच्छी तरह से और ये मनोविज्ञान भी जानते थे। इसके बाद इन्होंने सन 1904 में कुत्ते पर अपना प्रयोग किए थे। सन 1904 में उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किए जिसके लिए उन्हें नोबल पुरस्कार भी दिया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक सर्वप्रथम अपनी पुस्तक जनरल साइकोलॉजी में इस सिद्धांत को प्रतिपादित जिस सिद्धांत को लिखे थे या दूसरे को बताए थे। देखिए इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं, आइए समझते हैं। पावलोव ने इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी दिए, जैसे कि पावलोव का अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत, शारीरिक शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन या सहज अनुक्रिया सहज क्रिया का सहज क्रिया द्वारा सीखना या सहज क्रिया का सिद्धांत, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए इस तरह से याद करने का सबसे अच्छा तरीका इसका है, सीधे जान लीजिए कि समय अनुबंधन लगा हुआ है। देख लीजिए समय अनुबंधन के लिए इसमें नहीं है, इसको याद इस तरह से कर लीजिएगा, ये अनुबंधन का सिद्धांत। आइए हम समझते हैं इस सिद्धांत के कुछ अर्थ भी हैं। सिद्धांत के कुछ अर्थ है, इनके अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। मानी पावलोव जी ने कहे थे कि सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है, यानी क्या है, सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। जिस प्रकार भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगता है, यह भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य करता है, ठीक है। आइए हम समझते हैं अगला है पावलोव द्वारा प्रयोग किया गया था किस पर किया गया था, कब किया गया था, इसके बारे में हम जानकारी को लेते हैं। आइए हम समझते हैं, आप बताते हैं कि पावलोव का सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। देखिए इस प्रकार कुत्ते पर प्रयोग किए थे, कुत्ते को इस प्रकार से बांध दिया गया था। पावलोव ने प्रयोग में पालतू कुत्ते का प्रयोग किए थे। उन्होंने ध्वनि रहित जो आप देख रहे हैं कमरा हुआ, ध्वनि रहित कमरा थी उस पर बांध दिया गया था, थोड़ी रेत कपड़ा थी तैयार किया गया था। कुत्ते को भूखा रखा रखकर प्रयोग करने वाली मेज के साथ बांध दिया गया। कक्षा के एक खिड़की थी, मैंने कमरा में जो एक खिड़की थी उसी से देखकर उस क्या सब कुछ देखा जाता था कि कुत्ता क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था। पावलोव ने कुत्ते की लार नली को एक पाइप से लगा दिया। देखिए देख रहे हैं कुत्ते को देख रहे हैं कुत्ते को पाइप लार को एक नली से लगा दिया गया है। देख लीजिए लगा दिया गया है और जब भी लार टपकेगा तो कुत्ते को इसमें दिक्कत हो जाता था। आइए हम इसको समझते थे, ठीक है। सबसे पहले बताते हैं आपको कि इसमें कुत्ते पर प्रयोग किया था जो कि एक बहुत ही बंद कमरा था। क्या था, बंद कमरा था और इसके जो भी कुत्ते के लार ग्रंथि थी उस कुत्ते के लार ग्रंथि को एक ट्यूब से एक प्रणाली से बांध दिया गया था। प्रणाली में जोड़ दिया गया था कि जब भी कुत्ते का लार बहेगा तो एक जगह एकत्रित हो जाएगा और इसे आसानी से माप भी लिया जा सकता है। तो पावलोव ने सबसे पहले कुत्ते को एक बंद में जो बांध दिया, ठीक, उसके सामने सबसे पहले बताते हैं भोजन को लाया गया।
सबसे पहले कुत्ते के सामने भोजन को दिया गया और वह स्वाभाविक है, कुत्ते भोजन देने से फूचे भोजन देने से मांस का टुकड़ा था, मांस का टुकड़ा जब उसको गंध आने लगी तो उसके लार ऑटोमेटिक बहने लगा और जितना लार वहा उस प्रणाली में उसे नाप कर रख लिया गया। देखिए रहते हैं लार बहने लगी, ठीक। उसके बाद भोजन प्लस में घंटी। अब कुत्ते को कुत्ते के सामने भोजन भी रखा जाता था, उसी समय घंटी भी बजाई जाती थी। घंटी बजाने के कारण और भोजन दोनों रखने की प्रक्रिया चलने के कारण लार टपक लार भी बहने लगा। ये प्रक्रिया लगातार कम से कम 10 बार अपनाई गई, 10 बार से ज्यादा भी अपनाई गई। घंटी प्लस भोजन, घंटी प्लस भोजन करने पर कुत्ते को लार टपकने लगा था। और कुछ समय बाद ऐसा आया कि केवल घंटी बजाने पर ही लार टपक कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो गया, ठीक है, टपकना शुरू हो गया। तो ये जो क्या हो गई थी, लार टपकना क्रिया हो गया। देखिए यूएस मतलब होता है स्वाभाविक उद्दीपक, ठीक। यूआर मतलब होता है अनुक्रिया, सीएस मतलब होता है अस्वाभाविक अनुक्रिया। आइए हम इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखिए पोलो ने अपने प्रयोग के लिए एक कुत्ते, एक पालतू कुत्ते का प्रयोग किया। उसने एक ध्वनि रहित कक्ष तैयार कराया तथा कुत्ते को भूखा रखकर प्रयोग करने वाली मेज के साथ बांध दिया। कक्षा में एक खिड़की थी जिसमें से सब कुछ देखा जा सकता था। पावलाओ ने कुत्ते की लार नली को एक पाइप लगा दिया ताकि कुत्ते के मुंह से टपकने वाली लार स्वतः ही कांच के ट्यूब में एकत्रित हो जाए। प्रयोग का आरंभ इस प्रकार किया गया कि पावलाओ ने कुत्ते के सामने मांस का टुकड़ा रखा। स्वाभाविक है गंध और स्वाद के कारण मांस को देखते ही कुत्ते के मुख में लार टपकने लगी और वह कांच के ट्यूब में एकत्रित होती है। प्रयोग के दूसरे चरण में पावलाओ ने भोजन रखने के साथ साथ घंटी भी बजाई और व्यवहार का निरीक्षण करने पर पाया कि इस बार कुत्ते मुंह में बराबर लार टपकाना शुरू हो गई है। इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया। प्रयोग के अंतिम अंतिम बार उसने केवल घंटी बजाई, खाना नहीं दिया और प्रतिक्रिया था कि कुत्ते अब भी पहले की तरह लार टपकना टपका रहा है। इससे उसने यह निष्कर्ष निकाला कि कुत्ते घंटी की आवाज़ से प्रतिबल हो गया है। इस प्रयोग में भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक तथा लार टपकना अनुक्रिया है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आज का वीडियो था।